वृंदावन उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश पवित्र शहर है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना जन्म यहीं बिताया था। आज हम भी इन्हीं गलियों में से होकर निकल चुके हैं कृष्ण जी के उसी मंदिर की ओर, जहां माना जाता है कि अभी भी श्री कृष्ण जी वहां रासलीला रचाते हैं। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं यहाँ के प्रसिद्ध जगहें। सबसे पहली चीज है हमारी निधिवन। माना जाता है कि शाम होते ही निधिवन में श्री कृष्ण जी खुद यहाँ आते हैं और रासलीला रचाते हैं। दिखाता हूँ आगे से, यहाँ पे दर्शन कर लिए और बाकी यहाँ पर एक ये कुआं बना हुआ, ये देखो अगर तुम्हें अच्छे से दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखो तो कुआं बना हुआ और ये है कुछ ऐसा पूरा निधिवन। निधिवन से निकलने के बाद हम आ गए श्री बांके बिहारी टेम्पल में। बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने का पर्दा हर कुछ मिनटों बाद हटा दिया जाता है। Welcome back to my channel, my vlogging life. My name is Arjun. You are watching my vlogging life channel. Okay. तो ये intro मैं बहुत late दे रहा हूँ क्योंकि ये video मैंने start कर दी थी सुबह से, क्योंकि अभी time हो रहा है 12 बज के कुछ time हो रहा होगा something. तो हाँ, क्या बताने वाला हूँ, मैं आया हुआ आज वृंदावन। जैसे कि तुमने starting में और thumbnail देख लिया होगा, 2 बजे हम दिल्ली से निकले थे वृंदावन के लिए और अभी सुबह हम 5 बजे लगभग पहुँच गए थे।
तो इसलिए मैं इंट्रो दे नहीं पाया, तो अब मैं इंट्रो दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, तो अभी यहाँ का क्या सीन है, यहाँ का क्या प्लान है, क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई अभी हम जैसे ही आए तो हम रेडी हो चुके थे, तो मैं इंट्रो बाद में दे रहा हूँ। तो बाकी बिहारी टेम्पल तो हम जा नहीं पाए स्टार्टिंग में, क्योंकि उसकी टाइमिंग थी, हम पहुँच चुके थे 5 बजे वृंदावन और उसकी टाइमिंग थी 7:30 या 8 के आसपास की। तो इसलिए सबसे पहले हम निधिवन गए और देन उसके बाद हम फिर गए बाकी बिहारी टेम्पल। और निधिवन का सीन तुम्हें पता ही है, जो भी है वीडियोस ज़्यादा नहीं शूट करने देते, थोड़ी बहुत जैसे भी की है मैंने कर ली बस। तो अभी फ़िलहाल अभी मैं तुम्हें होटल दिखा देता हूँ, अभी हमने होटल ले लिया है हम बाकी बिहारी टेम्पल एंड निधिवन, हम दोनों ने वो दोनों चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली। और अभी हमारा आगे का प्लान है प्रेम मंदिर जाने का, जो कि हमारे होटल से बिल्कुल सामने है, ठीक है, बिल्कुल फ्रंट ऑफ फ्रंट पे पड़ेगा और ये सामने ही है और ये हमारा होटल है जो हमने किया है, ठीक है, कन्हैया धाम। और एक बार तुम एक चीज़ देख लो कि यहाँ का एक और ये होम स्टे या कहते होटल की तरह ही है, ये देखो कितना अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका कलर ही देखो एकदम यूनिक है। और सामने रोड क्रॉस करते ही है प्रेम मंदिर, ठीक है, तो वहाँ का भी अभी आगे का प्लान है। तो फिलहाल मैं अभी तुम्हें होटल रूम दिखा देता हूँ कैसा है, और जो भी है मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बता दिया है कि तो भाई प्लीज़ ये अपने जो मंकी है ना भाई उनसे सेव रहना, वो नहीं देखते, ठीक है। तो अभी होटल रूम दिखा देता हूँ एक बार जाके आपको, जो भी है देख लो जल्दी से, फिर उसके बाद हमें निकलना भी शाम तक। ओके, तो ये है अपना रूम, एसी रूम है, ठीक है। तो अभी ये फ़िलहाल हमारा जो ये रूम है 2 पर्सन के लिए बहुत है, तो ठीक है अभी फ़िलहाल ऐसा ये रूम है, छोटा सा रूम है, रूम टूर भी दे दिया है, ठीक है। ओके, तो अभी हम जाने वाले हैं प्रेम मंदिर के अंदर, क्योंकि मैंने तुम्हें बाहर से व्यू दिखाया, वेदर बहुत अच्छा हो रहा है यार यहाँ पर, तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ प्रेम मंदिर के अंदर, मैंने बाहर से व्यू दिखा दिया, अच्छा लग रहा है और वेदर बहुत बढ़िया हो गया है यहाँ पर। तो एक बार मैं अंदर से दिखाता हूँ, क्योंकि यार ज़्यादा कैमरा अलाउड है नहीं और ज़्यादा मैं तुमसे इंटरेक्शन कर नहीं पा रहा हूँ इस ट्रिप में, इस व्लॉग में, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। और बस अभी जा रहा हूँ मैं प्रेम मंदिर के अंदर और अंदर से व्यू दिखाता हूँ, ये डे का है और एक बार नाइट का भी देखिए कैसा आता है। तो फिलहाल मैं जाता हूँ, अभी कैमरा रखता हूँ, फिर जाता हूँ अंदर मंदिर के और एक बार अंदर से व्यू एंजॉय करना कैसा है, ठीक। ओके, तो यहाँ का सीन कुछ ऐसा है, मंदिर का कुछ ऐसा व्यू है, देख लो एक बार और एक बार तुम्हें नाइट का व्यू दिखा रहा हूँ, कितना अच्छा आ रहा है देखो, वाह। और अभी तो लाइट
दिखा दिया, लेकिन प्रेम मंदिर को एक बार फ्रंट से दिखाता हूँ क्योंकि लाइटिंग बहुत अच्छी हो गई है, तो एक बार फ्रंट से भी दिखाता हूँ आगे जाके। प्रेम मंदिर जो भी था जैसा भी था मैंने दिखा दिया तुम्हें सारा एक्सप्लोर करके, अब मेन चीज रह गई है जो भी रह गई है वो मैं देखूंगा अगली वीडियो में, कोशिश करूंगा सारी चीजें कवर कर दूं, देखता हूँ जैसे भी रहने वाला है। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मैंने निधिवन दिखाया और बाकी बिहारी टेम्पल एंड थर्ड यही अपना प्रेम मंदिर। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं प्रेम द प्याला पिया।